खिलाड़ियों से बल्ला छिन गया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए, मौका मिलने के बावजूद शफाफ इलेक्शन ना कराया। इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की गई। उमर अय्यूब को सेक्रेटरी जनरल कैसे बनाया गया? बानी पीटीआई का अपना बतौर चेयरमैन ओहदा 13 जून तक था। 13 जून के बाद बानी पीटीआई बतौर चेयरमैन रह ही नहीं सकते थे। तहरीक इंसाफ ने फेडरल इलेक्शन कमीशन तश्कील ही नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को रेगुलेट करना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। 4 दिसंबर का पेश करदा सर्टिफिकेट और दायर करदा फॉर्म 65 मुस्तरद किया जाता है। तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया जाएगा। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत चारों मेंबरान ने मुत्तफिका तौर पर दिया। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है, इलेक्शन कमीशन पर हमारे तहफ्फुज़ात हैं, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, इंतखाबात का बायकॉट नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तय कर रखा था, सिर्फ हमारी पार्टी का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ दिया गया। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, फैसले के खिलाफ पटिशन दायर करने की तैयारी शुरू कर दी, पीर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाएंगे। सियासी शख्सियात का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार पर मिला जुला रद्द अमल। नून लीग के आजम नजीर तारर कहते हैं, गैर कानूनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलदम करार देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया तो उसकी वजूहात हैं। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने केस का मेरिट पर फैसला किया होगा। किसी भी जमात पर पाबंदी के मुखालिफ हैं, पीटीआई सियासी जमात नहीं। सदर बाप पार्टी खालिद मक्सी बोले, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सिलेक्शन को तरजीह दी। सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत लाजिम है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है, पीटीआई के उम्मीदवार इंतखाबात आजादाना लड़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने 10 जनवरी तक इंतखाबी निशान फराहम करने हैं, तब तक सुप्रीम कोर्ट पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसला दे देगी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, साइफर मामले पर केस मुल्क दुश्मन को फायदा हुआ? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, गैर मुल्की ताकत का फायदा किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा, साबिक वजीर आजम को जेल में रखने से मुआशरे को क्या खतरा होगा? आजम खान के बयान में वाजे है, साबिक वजीर आजम के पास मौजूद दस्तावेजात साइफर नहीं थी। असल साइफर तो आज भी दफ्तर खारजा में होगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए, उस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्यों कहा साइफर गायब है? शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं पूछा कि वो साइफर तो मौजूद ही नहीं? शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती इजलास में एहतजाजी मुरासला भेजने का क्यों कहा गया? सुप्रीम कोर्ट की सजाए मौत की दफात की बुनियाद वाजे करने की हिदायत। मुलजिमों की इलेक्शन के दौरान रिहाई हकीकी इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। जस्टिस अतर मिनल्ला का साइफर केस में इजाफी नोट। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई ने जुर्म किया या नहीं ट्रायल कोर्ट तय करेगी। कोई सबूत नहीं मिला। बानी पीटीआई ने साइफर किसी मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक किया। मुलजिमों की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं। हाईकोर्ट का मुलजिमों को जमानत ना देना हकायक के बरखिलाफ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जिन शिकों का इतलाक साइफर केस में किया गया वो काबिल जमानत हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में कहा, दरख्वास्त गुजारों ने ऐसा जुर्म नहीं किया जो मुआशरे के लिए खतरा हो। बहुत दिनों के बाद साइफर केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का बतंगड़ बनाया गया और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। साइफर केस आज हकीकी मानों में मेरी नजर में और जजेस की नजर में सिफर हो चुका है। आपने इतने अरसे से 125 दिन से आपने उनको जेल में रखा हुआ, बेजा रखा, बिला वजह रखा, इसका अजाला कौन देगा ये अब देखते हैं, ये वक्त ही बताएगा। साइफर केस की हवा निकल गई,
राय का पहाड़ सरकार के सर पर गिर गया। जज इसकी नजर में आज साइफर केस सिफर हो गया। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रियासत के पास अदालती सवालों का कोई जवाब नहीं था। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों ने कहा आज मेरिट पर फैसला हुआ, पाकिस्तान की जीत हुई, अच्छा होता यही जमानत हाईकोर्ट से मिल जाती। सीनियर रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को रिहाई ना मिल सकी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत मचल के जमा होने के बाद आज रोबकार जारी करेगी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर की थी। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है, पीटीआई उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस का फैसला सुना दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर अजाला करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और अटर्नी जनरल की तावुन की यकीन दहानी। दौरान समाज जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? उस्मान डार की वालिदा के साथ जो हुआ, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। पीटीआई वफ़द की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल में मुश्किलात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को हिदायत जारी। सियासी जमातों की मुश्किल हल, कागजात नामजदगी जमा करने की तारीख में 2 दिन की तौसी। उम्मीदवार 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सियासी जमातों के मुतालबे पर तारीख में तौसी की। रिटर्निंग अफसरान इतवार तक दफ्तरी औकात में कागजात वसूल करेंगे। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। सियासी पहलवानों ने अपने अपने मैदानों का इंतखाब कर लिया। बानी पीटीआई के एनए नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी जमा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने एनए 132 कसूर में कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज ने पंजाब असम्बली के हलका पीपी 160 से कागजात हासिल कर लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर के हलका एनए 128 से इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पशीन के हलका एनए 265 से कागजात जमा कराए। सरबरा आईपीपी जहांगीर तरीन एनए 155 लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान एनए 117 और एनए 119 का मैदान संभालेंगे। शाहजैन बुगटी एनए 250 सिब्बी से इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ ने एनए 71 पीपी 46 और 47 से कागजात जमा कराए। यूसुफ रजा गिलानी एनए 148 और राजा परवेज अशरफ एनए 52 से उम्मीदवार। खुर्शीद शाह ने एनए 206 और मुराद अली शाह ने पीएस 77 से कागजात जमा कराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से फैसल वावडा की मुलाकात। कराची में होने वाली मुलाकात में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सदर और वजीर आजम को बलोच मुजाहरीन के खिलाफ पुलिस के रवैये पर तशवीश। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वजीर आजम अनवारुल्ला काकड़ का टेलीफोनिक राबता। दोनों ने इतफाक किया पुलिस को मुजाहरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। उधर सदर मुमलिकत से गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान की मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर। बलोच मुजाहरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, आईजी इस्लामाबाद पेश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बताया कुछ खवातीन को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। आईजी बोले जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का इंतजाम किया। चीफ जस्टिस ने कहा मुजाहरीन पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, वो जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं।
स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं, जो काम आपके करने वाले हैं वो आप नहीं करते, हमारे अपने स्टाफ के किसी के मोबाइल और किसी का पर्स छीना गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मोनिस इलाही कहते हैं, मेरी वालिदा अपने कागजात जमा कराने आरओ गुजरात ऑफिस गई, आरओ और पुलिस ने दफ्तर को अंदर से ताला लगा लिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हमारे घर के मर्दों से तो डरते ही हैं, अब औरतों से भी खौफ सदा हैं। किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई उनका कोई बुनियाद नहीं है, उनमें हकीकत का जो है एक रत्ती भर हकीकत नहीं है। तो हमने तो नहीं कहा था कि जी टीवी पे बैठ के प्रोग्राम करें और अपनी सियासी साख को नुकसान पहुंचाएं। मुझ पर लगे इल्ज़ाम का कोई वजूद नहीं, उस्मान डार के घर हालिया पुलिस कार्रवाई का इल्म नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जमहूरी अमल से सियासत को तरजीह देता हूं, इलेक्शन लड़ें और आवाम को फैसला करने दें। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे, वजीर आला सिंध का फैसला, पार्टी का यादत करेगी रहनुमा पीपल्स पार्टी। मुराद अली शाह कहते हैं, नून लीग वाले कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा में 9 वर्कर्स कन्वेंशन किए, पंजाब से इतनी सीटें लेंगे कि सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह कर दिया, पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं कह सकती, लाहौर को कराची बना देंगे। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में ऐसा कहा तो लोग भाग जाएंगे। सीनियर डेप्टी कन्वीनियर एमकेएम मुस्तफा कमाल के लफ्जी वार, कहा 8 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो हक परस्तों की फतह होगी। फारूक सत्तार कहते हैं, मुल्क में जहां मुमकिन हुआ वहां इलेक्शन लड़ेंगे। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशस्तों के लिए 100 से ज्यादा कागजात नामजदगी जमा। बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशस्तों पर 300 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। बलूचिस्तान से कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशस्तों के लिए 19 कागजात नामजदगी जमा हुए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों के लिए 53 उम्मीदवारों के कागजात जमा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक केपी असम्बली की मखसूस नशस्तों के लिए 165 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। गैर शरई निकाह केस में अहम पेशरफ्त, अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। वकील ने कहा, जेल जैमर्स के बाइस बुशरा बीबी के साथ राब्ता नहीं हुआ, समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। अदलिया का करप्शन में दूसरा नंबर, पेशावर हाईकोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से सबूत मांग लिए। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए, करप्शन के सबूत दें ताकि जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सबूत नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट वापस ले। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में जेरे तामीर थाने पर हमला, 5 मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, एक जख्मी मजदूर अस्पताल में जेरे इलाज। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी थम ना सकी, इसराइल ने गजा की मजमू आबादी के 1% शहरी शहीद कर दिए। गजा जंग में फलस्तीनी शहदा की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। सहूनी फोर्सेस की जबालिया, नसीरा, दीरुल बला, खान यूनस और रफा में शदीद बमबारी, 2 रोज में 400 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। अकवामे मुतहदा में गजा में मुतवातर अमदाद, यरगमालियों की रहाई के हक में करारदाद मंजूर।
इसराइली बर्बरियत पर हमास की मज़ाहमती कार्रवाइयाँ, कई इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, मुतादिद टैंक्स तबाह कर दिए। हमास का इसराइल से मुज़ाकरात से साफ इनकार, कहा फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने तक बात नहीं होगी। तमाम ममालिक से मलेशिया जैसा जुरतमंदाना मौकिफ अपनाने की अपील। उधर उर्दर में शहरियों की बड़ी तादाद का अमरीकी काउंसिल खाने के सामने एहतजाज। नीदरलैंड्स में गजा के शहीद बच्चों से इजहार यकजहती, रोटरडैम के मरकजी चौक पर बच्चों के 8,000 जूते रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन ने आलमी बेहिसी को आईना दिखाया। कराची में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। कराची रेलवे स्टेशन से मशकूक बैग से आईईडी डिवाइस बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दी मशकूक बैग। कैन स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पाया गया। कराची में लूट मार हो गई सरेआम। हसन स्क्वायर पुल की सेफ्टी रेलिंग रातों रात चोरी। मुल्जिम बगैर किसी खौफ पैदल ही लोहा चोरी करके फरार हो गए। दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर से जेवरात चोरी। चोर 1,23,00,000 रुपए के जेवरात ले उड़े। निगरान वजीर औकाफ का दरगाह के मैनेजर को मुअत्तल करने का हुक्म। मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। मेलबर्न टेस्ट के लिए पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 के दरमियान दो रोजा प्रैक्टिस मैच। पहले दिन पाकिस्तान की पूरी टीम 323 रन पर आउट। साउथ शकील 70, आगा सलमान 51 और मोहम्मद रिजवान ने 50 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों का मुतालबा मंजूर। बरतानिया ने अहले खाना को लाने के लिए आमदन की हद को कम कर दिया। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक कम अज कम आमदनी की हद 29,000 पाउंड होगी। बरतानवी वजीर दाखिला ने फैमिली वीजा के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड करने का कहा था। और सुरों की मलका को जुदा हुए 23 बरस बीत गए। नूरजहां ने जो गाया अम्र कर दिया। रसीली आवाज की बदौलत मलका तरन्नुम का खिताब मिला। खिदमात के एतराफ में सदारती अवार्ड समेत दीगर से नवाजा गया।